दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी भटकती आत्मा के बारे में जो मरने के बाद अपने मुक्ति के लिए जंगल में भटकता रहा। अगर कोई भी इंसान मर जाता है तो उसके आत्मा के शांति के लिए उसका शरीर को जलाया जाता है, उसका अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है। अगर किसी वजह उसका अंतिम क्रियाकर्म नहीं किया जाता है तो लोगों का मानना है वो आत्मा बनकर भटकता रहता है। कुछ इस तरह का ही घटना घटी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। ये कहानी है रामपुर की एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान के बारे में। उस गांव में चारों ओर घना जंगल था। गांव से शहर जाने के लिए लोग उस घने जंगल के अंदर ही होते हुए जाते थे। एक दिन राजेश नाम का एक लड़का किसी कारण शहर जा रहा था। वो जंगल से होते हुए जा रहा था कि कुछ ही दूर के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे वो गरीब इंसान का लाश पड़ा हुआ है। वो उस लाश को देखकर डर गया और चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा चला। गांव में जाकर वो सारे लोगों को कहता है कि वहां जंगल के अंदर किसी का लाश पड़ा है। लाश का नाम सुनते ही गांव के सारे लोग डर के मारे किसी का लाश है ये सोचने लगे और किसका लाश है ये जानने के लिए सारे लोग उस जंगल के अंदर गए। वहां जाकर उस लाश को देखा कि ये वही गरीब माधव का लाश है। माधव बचपन से ही अनाथ था, उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। बहुत ज्यादा गरीब होने के बाद वो अपने छोटे से एक जमीन पर खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। सारे लोग माधव का लाश देखकर कहने लगे, अरे ये तो वही फटीचर माधव है, अच्छा हुआ मर गया, जिंदा रहकर भी क्या करता, ना ही इसके आगे कोई है ना ही इसके पीछे। ये कहकर सारे लोग वापस लौटने लगे। तभी एक बुजुर्ग इंसान सारे गांव वालों को रुककर कहने लगा, हम इस लाश को जंगल में इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मरने के बाद इस लाश का अंतिम क्रियाकर्म करना जरूरी है। माना कि इस इंसान का आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है, मगर हमारे गांव वालों का ये फर्ज होता है कि हम इसका अंतिम क्रियाकर्म करें। उस इंसान के बातें सुनकर एक नौजवान आगे आकर कहने लगा, ओ बुढ़ाओ, तू सठिया गया है क्या? हम लोगों का कोई काम धंधा नहीं है क्या? हम इस बेकार इंसान का क्रियाकर्म करने चले? चलो रे, सब चलते हैं गांव, सड़ने दो इस लाश को इस जंगल में। तभी वो बुजुर्ग इंसान समझाते हुए कहने लगा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इसका अंतिम क्रियाकर्म नहीं करोगे तो इसका आत्मा इस जंगल में भटकता रहेगा भूत बनकर। वो नौजवान उस इंसान को कहने लगा, दादू मरने दो भूत इसको, वैसे भी इस घने जंगल में कई सारे भूत प्रेत होंगे और एक भूत प्रेत सही इसको कंपनी मिल जाएगा इस जंगल में, भूत प्रेत के साथ मिलकर ये मजे से रहेगा। ये कहकर गांव के सारे लोग माधव की लाश को उस जंगल में छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं। इस घटना के 6 महीने के बाद हरिया नाम का एक इंसान किसी वजह शहर जा रहा था। वो शहर आराम से उस जंगल के अंदर से मजे से घूमते हुए जा रहा था। तभी अचानक देखा कि उसके सामने माधव खड़ा था। वो माधव को देखते ही ज्यादा डर गया और डर के मारे पीछे भागने लगा। वो सोच रहा था कि माधव तो मर चुका है तो इस जंगल में और कौन है। वो पीछे मुड़कर देखा कि इस जंगल में कोई भी नहीं था। वो सोचा, शायद ये उसका कोई बहम है, माधव को तो मरे हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। ये सोचकर वो बिना डरे फिर से उस जंगल के अंदर उस सड़क में चलने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बड़ा सा जंगली सांड उसकी ओर आ रहा है। वो सांड आकर हरिया को जोर से एक टक्कर मारा। सांड की टक्कर खाकर हरिया नीचे गिर गया और जब उसका आंखें खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक काली छाया, बहुत ही डरावनी एक काली छाया उसके सामने खड़ा था। उस काली छाया को देखते ही हरिया का रोंगटे खड़े हो गया। वो काली छाया को देखते ही हरिया उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब उसका आंखें खोला तो उसने देखा कि वो गांव के पास एक सुनसान खंडर जमीन के पास पड़ा था। हरिया वहां से उठकर डर के मारे गांव के अंदर भागने लगा। वो अपने घर पहुंचकर सारी घटना, उसके साथ जो भी घटी थी, वो सारे के सारे अपने पत्नी को बताया। उसका पत्नी ये सब बातें सुनकर उसको कहने लगा, शायद ये आपका कोई बहम होगा,
आप डरे हुए हो, थोड़े से आराम कर लीजिए। उस दिन रात को हरिया घर में सोया हुआ होता है कि उसके सपनों में माधव रोता हुआ आकर कहता है कि हरिया मुझे बचा लो, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दो, मैं यहाँ बंदी हूँ, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, मुझे बचा लो, मुझे मुक्ति चाहिए। सुबह होते ही हरिया गांव के सारे लोगों को वो सारे सपनों की बातें बताता है। गांव के सारे लोग उसके बातें सुनकर उसके बातें मजाक में उड़ा देते हैं। इसके ठीक दो दिनों के बाद गांव के कुछ लोगों को जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई देता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे बचा लो, मुझे मुक्ति चाहिए। ये बातें आग की तरह पूरे गांव में फैल जाता है। सारे लोगों को ये खबर लग गया था कि माधव का आत्मा जंगल में भटक रहा है। गांव के सारे लोग शहर जाने के लिए भी डरने लगे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए गांव के सारे लोग एक साधु के पास गए और जो भी पिछले दिनों से घटित हो रहा है सारे बातें उस साधु को बताने लगे। वो साधु गांव वालों की समस्या का समाधान निकालने के लिए एक यज्ञ करने लगा। यज्ञ खत्म होते ही साधु अपने मंत्र की ताकत से माधव को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम गांव के लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, उन्हें छोड़कर चले जाओ। तभी माधव रोते हुए उस साधु बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे साधु बाबा, मैं गांव के किसी भी लोगों को परेशान नहीं करता हूँ, बस मुझे मुक्ति चाहिए। मैं खुद ही एक बुरे तांत्रिक के हाथों पर बंदी हूँ। वो तांत्रिक बहुत ही खतरनाक है, उसने ही मुझे मारकर उस जंगल में फेंक दिया और मेरे आत्मा को कैद कर लिया। कृपया आप मुझे मुक्ति दिलाइए। माधव के साथ जो भी घटित हुआ था साधु ने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा और गांव के सारे लोगों को गाली देते हुए कहने लगा, तुम लोग इंसान ही हो ना, तुम लोग इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हो। जब तुम सब जंगल में माधव का लाश देखे तो तुम लोगों का फर्ज था कि उस लाश का अंतिम क्रियाकर्म करो, मगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, उस लाश को जंगल में ही ऐसे छोड़कर आ गए। अरे इंसान मरने के बाद उसका दुश्मन भी उसको कंधा देकर शमशान लेकर उससे जाता है, मगर तुम लोग उसके गांव वालों होकर भी ऐसा नहीं किया, तुम लोगों से बहुत बड़ा गलती हो गया है। गांव के सारे लोगों को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा था। गांव के सारे लोग साधु को हाथ जोड़कर कहने लगे, साधु बाबा हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, मगर इस गलती को सुधारने का कोई तो उपाय होगा। तभी साधु बाबा कहने लगा कि ठीक है, इस गलती को सुधारने के लिए आप लोग एक इंसान मरने के बाद उसका क्रियाकर्म करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सामग्री लेकर आओ। आज शाम होने से पहले माधव के शरीर को जलाकर हमें उसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। गांव के सारे लोग क्रियाकर्म की सारे सामग्री लेकर साधु बाबा को अपने साथ लेकर उस जंगल के अंदर गए। जिस जगह पर माधव का लाश पड़ा था उस जगह के पास जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर माधव का लाश नहीं था। ये घटना घटी हुई 6 से 7 महीना हो चुका था, वहाँ पर माधव का लाश इन लोगों को कहाँ मिलने वाला था। साधु ने एक नींबू निकाला, उस नींबू को मंत्र पाठ करके उसे जमीन पर रख दिया और गांव के सारे लोगों को कहने लगा, ये नींबू घूमता हुआ जिस जगह पर जाकर रुकेगा माधव का शरीर उसी जगह पर है। 10-15 मिनट के बाद वो नींबू घूमता हुआ गांव के उसी जगह पर जाकर रुका जहां पर वो खंडर जमीन था। गांव के सारे लोग उस खंडर में इधर उधर घूमकर देखने लगे कि एक जगह पर एक ताबीज के अंदर कुछ हड्डियां पड़ा हुआ था। वो हड्डियां किसी और का नहीं बल्कि माधव का था। साधु अपने मंत्र के सहायता से पहचान गया था कि वो हड्डियां माधव का ही था। तभी अचानक ही गांव वालों के सामने एक आंधी तूफान आने लगा, हर तरफ अंधेरा छा गया और गांव के सारे लोगों देखने लगे कि उनके सामने एक तांत्रिक आकर खड़ा हो गया था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कोई भी इंसान उस ताबीज को लेकर नहीं जा सकता है, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। ये कहते हुए उसने गांव वालों के ऊपर टूट पड़ा। गांव के सारे लोग हवा में इधर उधर उड़कर नीचे गिरने लगे। साधु ने अपने मंत्र की सहायता से उस तांत्रिक को बंदी बना लिया और माधव के सारे हड्डियां को एक जगह पर रखकर उसका क्रियाक्रम कर दिया। क्रियाक्रम खत्म होते ही उस आग से एक सुनहरा रोशनी निकलकर साधु के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपके वजह से मुझे मुक्ति मिल गया, मगर ये तांत्रिक बहुत ही खतरनाक है,
ये गांव के ना जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये जिंदा रहा तो गांव की कोई भी इंसान नहीं बचेगा। आपने मुझे तो मुक्ति दिला दिया, अब इस गांव को इस तांत्रिक से मुक्ति दिला दी। ये कहने के बाद वो रोशनी आकाश की ओर चला गया। साधु ने गांव वालों की रक्षा करने के लिए उस तांत्रिक को अपने मंत्र की विद्या के सहायता से उस ताबीज के अंदर उस साधु को बंदी बना लिया और उसी ताबीज को वो वीरान खंडर के अंदर दफना दिया। आज भी वो वीरान खंडर एक भूतिया खंडर कहलाता है। उस दिनों के बाद उस खंडर के आसपास भी कोई इंसान नहीं जाता है। कहा जाता है कि जो भी इंसान उस खंडर में जाएगा तो वो तांत्रिक वहां से जाग जाएगा और फिर से होगा मौत का तांडव। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक शेयर और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।